गणित किट में एक और टीएलएम है टैंग्राम। टैंग्राम को कैसे बनाना है आइए देखते हैं। टैंग्राम ज्यामिति में प्रयुक्त विशेष आकृति में से एक है। ये चीनी संस्कृति से है। इसमें 7 आकृतियां हैं या 5 आकृतियां। जब सभी टुकड़े जुड़ जाते हैं तो हमें एक वर्ग मिलता है। एक वर्ग से 7 या 5 छोटे टुकड़े काटे जाते हैं, लेकिन इसमें हर टुकड़े में विशिष्ट 2 आयामी आकृति होगी। ये इस तरह से दिखता है। 2, 3, 4, 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 रोम्बस। इसे कैसे बनाना है? पहले हमें इसे एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना है। फिर एक ईवीए फॉर्म लेंगे और उस पे एक चौकोर बनाएंगे। इसे वर्ग में कैसे बनाना है अगर आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं फोम पर चौकोर रखूंगा। हम इसे छोटे आंकड़ों में कैसे काट सकते हैं आइए देखते हैं। आइए हम 10 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाते हैं। मैं इसे एक तरफ रख देता हूं। पहले हमें एक विकर्ण आकर्षित करते हैं, उसके बाद 2 त्रिकोण बनाते हैं केंद्र में, उसके बाद भुजा के केंद्र पर एक बिंदु को चिन्हित करते हैं। यहां एक रेखा खींचते हैं। इसी तरह ये एक वर्ग होना चाहिए। ये त्रिभुज होना चाहिए। ये त्रिभुज यहां। अब यहां केंद्र में इस पंक्ति के ये ढाई है। हमें एक और त्रिभुज मिल गया, वर्ग त्रिभुज। ये रोम्बस है और 2 और त्रिभुज। अब हम इसे काट सकते हैं। जब हम इन्हें काटते हैं हमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ये कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। अब हमारे द्वारा बनाया गया टैंग्राम अब तैयार है। आइए इसे देखते हैं। ये केवल ईवीए फोम का उपयोग करके नहीं बनाना चाहिए, हम किसी भी उपलब्ध सामग्री से इसे बना सकते हैं। कार्डबोर्ड या मोटी ड्राइंग शीट ऐसी, या इसे इस तरह मोड़ लें इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए, और जैसे दिखाया है वैसे काट लें। जब ये बच्चों को दिया जाता है और एक वर्ग दिखाने या एक घर बनाने के लिए कहते हैं या एक आदमी बनाने के लिए कहते हैं, लगभग 5 से 6 हजार अलग अलग आकृतियां इस टैंग्राम से बनाई जा सकती हैं। अब टैंग्राम में 7 टुकड़ों के अलावा इसमें 5 टुकड़े टैंग्राम भी होते हैं। हम ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ड्रॉइंग शीट का उपयोग करके इसे कैसे बना सकते हैं। मैं एक सफेद ड्रॉइंग शीट का उपयोग कर रहा हूँ।
मैं दिखाऊंगा कि पांच टुकड़ा टैंग्राम कैसे बनाया जाता है। उसी तरह 10×10 का एक वर्ग बना लें। अब इस वर्ग को टुकड़ों में काट लेते हैं। ये कैसे करेंगे? पहले हम वर्ग के केंद्र में एक रेखा खींचते हैं, बाद में केंद्र से आगे हमें एक त्रिकोण मिलता है, त्रिकोण से मैं एक वर्ग खींचता हूं, एक वर्ग, एक त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण। इस भुजा का केंद्र कहाँ है? भुजा का केंद्र 1, 2, 3, 4, 5, 5 टुकड़े टैंग्राम तैयार है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक वर्ग, 3 त्रिभुज और एक रोम्बस। हम आकार को काट लेते हैं। इसे थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए हम थोड़ी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक और टुकड़ा उसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरह हम 5 टुकड़ा टैंग्राम बना सकते हैं। हम ड्राइंग शीट, कार्डबोर्ड या ईवीए फोम का उपयोग कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी। अब ये 5 टुकड़ा और 7 टुकड़ा टैंग्राम हम एक वर्ग फिर से बनाते हैं। तो इस 5 टुकड़ा और 7 टुकड़ा टैंग्राम टूल का उपयोग करके हम परिधि या क्षेत्र अवधारणाओं को सिखा सकते हैं, ये दोनों सिखा सकते हैं।